हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। हम आज लेकर आए हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सेकंड है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, थर्ड है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एंड और येट सो नॉर बट। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के होते हैं आफ्टर ऑल्दो एज इफ एज फार एज सून एज लॉन्ग एज थ्रू बिकॉज बिफोर वैन वेयर वैन एवर इवन इफ इवन थ्रू एवरी टाइम इफ सो सिंस दैट सो दैट अनटिल इन ऑर्डर दैट थ्रू अनलेस वैन एवर वेयर इज वाइल एक्सेट्रा। ये और भी हो सकते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस है थर्ड, इसका थर्ड टाइप। इसमें होता है आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो नाइदर नॉर बोथ एंड वेदर और जस्ट एज सो द एज मच एज सूनर दैन रेदर दैन। ये सारे हो गए कोरिलेटिव कंजक्शंस के एग्जाम्पल्स। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस हैं, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस जॉइन लाइक विद लाइक, फॉर एग्जांपल दे जॉइन अ नाउन विद अनदर नाउन और एन एडजेक्टिव विद अनदर एडजेक्टिव। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में ये होता है एक नाउन से दूसरे नाउन को जो जिस सेंटेंस में जोड़ा जा रहा होता है या फिर एडजेक्टिव से किसी दूसरे एडजेक्टिव को जोड़ा जा रहा होता है वहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की ये पहचान होती है कि वह एक जैसी चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे वर्ड टू वर्ड्स, फेरेस टू फेरेसिस, क्लॉस टू क्लॉस। फॉर एग्जाम्पल वर्ड टू वर्ड मोस्ट चिल्ड्रन लाइक कुकीज़ एंड मिल्क। कुकीज़ एंड मिल्क आर नाउन्स मीन्स दे आर वर्ड्स, सो कंजक्शंस जॉइन दैम। ओके, नेक्स्ट है फेरेस टू फेरेस, द गोल्ड इज़ हिडन एट द बीच और बाय द लेक साइड। इसमें भी वर्ड टू वर्ड जोड़ा गया है एट द बीच और बाय द लेक साइड। दे आर फ्रेसिस आर दे जॉइंस विद कंजक्शन। क्लॉस टू क्लॉस, वॉट यू से एंड वॉट यू डू आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो आप करते हैं और जो आप कहते हैं वो दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। ये दो क्लॉस हैं, इन्हें आपस में जोड़ा गया है। अब ये इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ये काम कर रहे हैं या वर्ड को वर्ड से जोड़ रहे हैं या क्लॉस को क्लॉस से या फिर फ्रेस को फ्रेस से के साथ जोड़ते हैं। एंड और दे आर हेल्प्स टू जॉइन द सेंटेंस, इट्स कॉल्ड कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कैन जॉइन टू वर्ब्स, द चिल्ड्रन रैन एंड जंप्ड ऑल ओवर द प्लेग्राउंड। बच्चे जो हैं वो दौड़ रहे हैं और कूद रहे हैं प्लेग्राउंड में, ये वर्ड टू वर्ड जोड़ा गया है। रैन जंप्ड आर वर्ब्स एंड इस कंजक्शन विद जॉइन दैम। कंजक्शन ने जो है वो इन्हें जोड़ा है एक साथ, जंप को और रैन को। वुड यू लाइक सीरियल और टोस्ट फॉर ब्रेकफास्ट। ये सीरियल और टोस्ट दोनों ही वर्ब हो गई, तो इन्हें एक साथ जोड़ने वाले को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नोट, व्हेन जॉइनिंग टू क्लॉसेस विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑलवेज प्लेस ऑन कॉमन बिफोर द कंजक्शन। सेकंड है कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस वर्क इन पेयर्स, एग्जाम्पल बोथ एंड बट ऑल्सो एज सिमिलर टू कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दे लिंक ग्रामेटिकल एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर इंपॉर्टेंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस में ये होता है कि ये पेयर्स में जोड़ते हैं, जैसे ये वर्क्स पेयर्स में काम करते हैं। जैसे आई एम नॉट ओनली पास द एग्ज़ाम बट ऑल्सो गॉट 100%। मैंने सिर्फ एग्ज़ाम ही पास नहीं किया बल्कि 100% मार्क्स से पास किया है। ये दो सेंटेंस हैं, इन्हें जोड़ना है बट इसमें बट और ऑल्सो दोनों साथ आते हैं। तो जहाँ पे दो पेयर्स में काम कर रहे होते हैं कंजक्शंस, वहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, सॉरी कोरिलेटिव कंजक्शन होता है। द बॉक्स इज एज टैल एज इट इज़ वाइड। तो बॉक्स है वो लंबा भी है और वाइड चौड़ा भी है, तो एज और एज दोनों आए हैं इसमें एज अ पेयर। थर्ड है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर और मोर वर्ड्स दैट यूनाइट आइडियाज इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल एज सून एज इन केस अनलेस वाइल। ये इसमें लिंकिंग जो इसकी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो है। दे लिंक डिपेंडेंट क्लॉसेस, ये इंडिपेंडेंटली ये डिपेंड होते हैं क्लॉसेस पे, लिंक्स पे। इनकम्प्लीट थॉट्स, द इंडिपेंडेंट क्लॉसेस कम्प्लीट थॉट्स। जो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस होते हैं वो थॉट्स को कम्प्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनलेस वी गिव हिम अ राइड ही वॉन्ट बी एबल टू कम। नेक्स्ट है हेयर सम कैश इन केस योर क्रेडिट कार्ड डज नॉट वर्क। इसमें दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं
इसके थ्रू यहाँ पे समझाया गया है, मतलब जो आपके पास कैश भी होना चाहिए इन केस अगर आपके पास इस सिचुएशन में अगर आपका क्रेडिट कार्ड काम ना कर रहा हो, तो इसमें कंजक्शन कोरिलेटिव कंजक्शन हुआ। फोर्थ है कंजक्शंस एडवर्ब। कंजक्शंस एडवर्ब आर वन और मोर वर्ड्स यूज टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेज। इसमें दो इंडिपेंडेंट जो क्लॉसेज होते हैं उन्हें जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर ऑल, बिसाइड्स, नेवरथलेस। दीज वर्ड्स आर टेक्निकली एडवर्ब्स बट परफॉर्म द सेम लिंकिंग फंक्शन एज कंजक्शंस। व्हेन अ कंजक्टिव एडवर्ब यूनाइट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेज इन वन सेंटेंस, इट्स प्रीसीडेड बाय अ सेमीकोलन एंड फॉलोड बाय अ कोमा। ये कोमा और सेमीकोलन को फॉलो करते हैं, इसमें कोमा और सेमीकोलन ज़रूर होता है। फॉर एग्जाम्पल शी वेंट इन टू द स्टोर, हाउएवर शी डिडंट फाइंड एनीथिंग शी वॉन्टेड टू बाय। वो एक स्टोर में गई, वहाँ पर उसे कोई चीज़ ख़रीदनी थी जो कि उसे कोई चीज़ ख़रीदने के लिए पसंद नहीं आ रही थी। आई लाइक यू अ लॉट, इन फैक्ट आई थिंक वी शुड बी बेस्ट फ्रेंड्स। मुझे तुम पसंद हो, इन फैक्ट हमें दोस्त बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल्स कम्प्लीट होते हैं। तो गाइज हमने आज पढ़े हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।